क्या कर रहा है आकाश बताओ, कौन से समाज में जा रहा है, कौन सी बहन बेटियों की शादी करने जा रहा है क्या? अरे हम जागृति करने के लिए निकले हैं, तभी तो तुम हमारे पास आ गए, वरना धक्के खा रहे थे इधर उधर। और फिर देखना जो है बहुजनों का राज नहीं आता तो जब मेरा नाम बदल देना, मैं देश छोड़ जाऊंगा यार यहाँ से। नेतृत्व कर रहे हैं आज की डेट में समाज का, उन पे सवाल नहीं पूछना चाहिए। आप एक चीज बताइए, दूसरी समाज की जो पार्टियां हैं जो हमारे समाज का शोषण कर रही हैं, हमारे लोगों का शोषण कर रही हैं, हमारे लोगों को दलाल बना रही हैं। हमें देश बचाना है, संविधान बचाना है। आज महंगाई, चिकित्सा, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हो, आज पाखंडवाद पे बात करते हो। जो आज मुद्दे है उस पर आइए वापस। जो हमारे आदिवासी समाज का आरक्षण खा रहे हैं, ओबीसी समाज का आरक्षण खा रहे हैं, एससी का आरक्षण खा रहे हैं, जो फर्जी प्रमाण पत्र बना करके जो दूसरे लोग जो खा रहे हैं, तो उसकी आवाज कौन उठाएगा? ऐसे ही हमारे आज शिक्षा की जरूरत है, शिक्षित ना हो जाए, महंगाई कर दी। आज हमारे हिस्सेदारी ना मिल जाए, भाई को, मेरी बहनों को हिस्सेदारी ना मिले, हर समाज को हिस्सेदारी ना मिले, तो उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया मुद्दे को। वो डाइवर्ट करना जानता है। यदि साथ नहीं देती तो बहुजनों के साथ नहीं आएगी। बहुजन के कितने लीडर्स हैं, कितने संगठन हैं, कितने दल बने हुए हैं, अरे क्यों नहीं ला रही एक जगह वो? यदि बहुजनों की इतनी हितैषी है, क्यों नहीं सबको एकजुट कर रही हैं? यदि अपने आप में इतनी ताकत है, कौन आकाश है? कोई जानता है आकाश को? क्या कर रहा है आकाश बताओ, कौन से समाज में जा रहा है, कौन सी बहन बेटियों की शादी करने जा रहा है? क्या चश्मा येलो उतार के मुझे तुमसे ज्यादा दिखाई देता है? काम नहीं दिखाई दे, तुमसे ज्यादा दिखाई देता है। जब चार बार मायावती मुख्यमंत्री थी तब बहुजनों जोड़ रही थी। अरे केवल हाथी खड़े कर दिए कि पार्क बना दिए, हाथी खड़े कर दिए और क्या कर दिया? बहुजनों हिताय बहुजन सुखाय की नीति से हट गई, खत्म हो गया। किससे? चुनाव में किसके एजेंट है, बीजेपी की या कांग्रेस? अरे बीजेपी की पिट लग हुआ, सहयोगी है उसकी पूरी तरीके से। किसके एजेंट है, बीजेपी या कांग्रेस? अरे हम तो भाई साहब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पे काम करने वाले हैं। तोड़ने की बात क्या कर? आप तोड़ने वाले नहीं, हम जोड़ने वाले, हम तुम्हें भी कह रहे हैं। अरे भाई साहब हम एक सीट से क्या मतलब है, हम जागृति करने के लिए निकले हैं, तभी तो तुम हमारे पास आ गए, वरना धक्के खा रहे थे इधर उधर। बीएसपी ही मिली है टांग खींचने के लिए? कौन बीएसपी? उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं और नहीं? अरे कहाँ है भाई साहब, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है मेरा, और मैं मेरठ जिले से आता हूँ जहाँ से क्रांति उठती है, और मेरा नाम भी राजुद्दीन गादरे है, समझे? गदर मचाना, ये हमारे वहीं से गदर उठा था, गदर मचा के, समझे? और ये जब जगाऊंगा नहीं बहुजनों को, तो तब क्या करोगे? मचा के टांग खींचो। अरे जब तक नहीं जगाऊंगा तुम जाग जाओगे? कहाँ रहे हैं? अरे भाई साहब टांग नहीं खींच रहा हूँ मैं तुम्हारा दिमाग को खींच रहा हूँ कि तुम दिमाग से जाग जाओ। अरे तुम यार उन्हीं के पीठ लग्गु बने हुए हो, खुद भी क्यों नहीं जाग रहे हो? खुद भी बिना मतलब की बात करते हो सब लोग। हमारे वोट ट्रांसफर हो जाते, उनके वोट ट्रांसफर नहीं होते, तो कहाँ से करें फिर गठबंधन? अरे भाई साहब ट्रांसफर हो जाते हैं, फलाना फलाना हो जाता है, आप बिना मतलब की बात कर रहे हो। जब तक ईवीएम है तो ट्रांसफर नहीं, ये सब कुछ वही होता है। कभी विरोध करोगे? कौन मायावती? याद करो या तो मायावती। अरे भाई साहब मायावती जो है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे आ जाओ वापस, और एकजुट करो बहुजन नेताओं को। और फिर देखना जो है बहुजनों का राज नहीं आता तो जब मेरा नाम बदल देना, मैं देश छोड़ जाऊंगा यार यहाँ से। कितनी पार्टी है? मैं पूरा देश छोड़ जाऊंगा यहाँ से। कितनी पार्टी को मना करती है लेने का, वोट लेने से मना करती है? यार तुम बिना मतलब मायावती जी मायावती जी मायावती जी ने बहुजनों के लिए क्या कर दिया, क्या कर रही है अभी कांग्रेस? अरे भाई साहब बहुजनों को कमजोर करने के लिए वो कह रही है कि मैं अकेला चुनाव लड़ूंगी। उनको समझ में आ रहा है? यदि उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि बहुजनों को जब तक हम एकजुट नहीं लाएंगे, 85% एक संख्या में नहीं आएगा, तो तुम दुश्मन से कैसे लड़ लोगे? बताओ मुझे। अरे मेरे भाइयों तुम लोग जो है ये गलत निर्णय में आ रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो। आप दिशा बदलिए और अपने चौथे स्तंभ की वैल्यू समझिए, और लोगों को भी उस मिशन पे लाइए कि बहुजनों को जोड़ने वाला बनिए। बहन जी को भी बताइए आप जा करके, यदि बहन जी के आप जो है हिमायती हो, बहन जी को भी मैसेज दीजिए कि 85% को एकजुट करें। ये भी तो हो सकता है कि सियासी गणित हो उनकी कि भाई हम मतलब मांगे कैसे, सीटें मांगे कैसे? सर आप, मैं आपसे सवाल करता हूँ, इनको गादरे साहब को मायावती के विकास नहीं लगता, क्या आपको लगता है मायावती विकास नहीं की है? देखिए सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति हमेशा पूरे समय काम नहीं कर सकता। दूसरी चीज, बहन जी ने जब काम किया था जब उनकी शरीर में पूरी ताकत थी और अपने उम्र में उन्होंने काम किया है,
सर भी फुड़वाएं, जेल भी गई, सारा कुछ। सुनिए सुनिए सुनिए, वर्तमान पे आइए, वर्तमान पे चाहे चाहे वो वक्ता हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे मीडिया हो, मीडिया चैनल को भी, अगर आप मीडिया चैनल बहुजन शुभचिंतक हैं तो आपको बहुजन जितने भी महापुरुष हैं या बहुजन विचारधारा में जितने भी हमारे नेतृत्व कर रहे हैं आज की डेट में समाज का, उन पर सवाल नहीं पूछना चाहिए। आप एक चीज बताइए, दूसरी समाज की जो पार्टियां हैं जो हमारे समाज का शोषण कर रही हैं, हमारे लोगों का शोषण कर रही हैं, हमारे लोगों को दलाल बना रही हैं, हमारे लोगों को जो बिकाऊ लोग जो कहते हैं, नाम लग जाता है पीछे कि ये बिकाऊ है, ये समाज का दलाल है, तो उन लोगों पे चर्चा क्यों नहीं करते? आप अपनों पे चर्चा क्यों करते हैं? आलोचना करने से रोक रहे हैं। आलोचना किसकी? अपने की करोगे? दूसरे की आलोचना करो ना, पता लगे ना। हिम्मत नहीं है ना आप में दूसरे की आलोचना? आप मीडिया पत्रकार हो, आप दूसरे वाले पे सवाल भी नहीं कर सकते? सवाल तो पूछ रहे हैं। पूछिए, आप किस पे पूछोगे? आप दूसरे पे पूछो, दूसरे पे पूछ ही नहीं सकते। आप एक चीज देखिए, मायावती है, बहन जी है, या वहां मेसराम है, या राजू गांधरे या सुरेश गौतम है, मेरा हो सकता है कि राजू गांधरे से मेरे विचार ना मिले या मेरे राजू गांधरे से ना मिले, मतलब उन दोनों में मतभेद हो सकता है, लेकिन मिशन तो एक है ना। लेकिन संविधान को बदलने की बात की जा रही है और सारे खामोश। संविधान को बदलने की, देखिए सुनिए, राजनेता कोई भी संविधान को नहीं बचाएगा, संविधान को बचाएंगे हम। तो वो किस लिए राजनेता? सुनिए, मतलब 131 दलित सांसद बोले, हाँ वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, वो दलाल है, वो दलाल है भाई, वो दलाल है। एससी एक्ट 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद किया, एससी एक्ट लागू करवाया, किसने करा? जनता ने। जब जनता की कॉल होती है, जनता का नेतृत्व जब जनता करती है ना, तो स्वयं अपना अधिकार छीन लेती है। उसमें 13 लोग शहीद हो, मिलता नहीं है 13 का 13 भी, हजार भी होंगे, अभी 13 लाख भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शहीद तो होंगे। अभी मैं भी मर सकता हूँ, राजू गांधरे मर सकते हैं, आप पे भी अटैक हो सकता है, आप भी मर सकते हो कहीं भी। क्या बात कर रहे हो आप? आप अगर सरकार के खिलाफ, भैया मरने से पहले मारना भी सीखो ना, पहले तो कलम की ताकत। साहब देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, लेकिन हम कहते हैं मरने से पहले कुछ करके जाएंगे, करके जाओ, करके ही जाइए आप हमेशा। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, समाज को किस दिशा में लेके जाओगे ये मीडिया पत्रकार तय करेंगे। आप अगर सही दिशा में अगर सवाल पूछेंगे, सही दिशा में समाज जाएगा। वो चाहते ही है, देखिए वो चाहते हैं, बीएसपी के, बहुजन मुक्ति मोर्चा के, भीम आर्मी के, आपस में ये लड़ लड़ के मर जाए, हम मजे लेते रहे। लड़ी रहे हैं सर, आप में से अगर एक भी समझदार है तो ऐसा कोई भी सवाल ना पूछे, ना कोई भी मेरे जैसा सवाल देगा, सवाल क्योंकि ना मुझे भीम आर्मी से लेना, ना मुझे बीएसपी से लेना, ना मुझे वामन मिश्रा से लेना, मुझे लेना है, मुझे समाज से, मुझे समाज का काम करना। सर सवाल तो बहुजन समाज के लोग तो कर रहे हैं ना, मायावती पर सवाल किया गया तो बहुजन मायावती की इनकी सवाल नहीं। मायावती देखिए, एक समय होता है, यहाँ राजनीति नहीं है, यहाँ राजनीति नहीं है। आज का जो कॉन्सेप्ट था, ये मिशन जय भीम का आज जो है स्थापना दिवस था, तीसरा स्थापना दिवस था, तो आपको समाज के मामले में आज का जो भी सारा विचारधारा पूछनी चाहिए थी, वो सामाजिक मामले पर पूछनी चाहिए थी, समाज किस तरफ जा रहा है, समाज में क्या क्या विडंबना है, क्या क्या आलोचना हो रही है, क्या क्या। तो लेकिन आज जो राजनीतिक जो सवाल हुआ है, अब राजू गांधरे जी जिस संगठन में काम करेंगे, जिसमें मैं संगठन में काम करूँगा, जिस पार्टी में काम करेंगे, मैं तो अपनी पार्टी की कहूँगा, लेकिन मुझे पार्टी की नहीं गानी, मुझे समाज की गानी। आज का मुद्दा है समाज का, समाज कहाँ जा रहा है? समाज के लिए, भारत की पॉपुलेशन के लिए मोदी के इस्तीफे पर जाएंगे। बात करिए ना, यूपी में कितने बलात्कार होते हैं डेली, देखिए मोदी के हर घंटे में, हर 3 मिनट में कितने बलात्कार। राजू गांधरे है जिसने आवाज उठाई और राष्ट्रपति महोदया से और पूरे देश से, मैं आज जैसी माहौल और स्थिति बन रही है, मैं खुद अकेले ने बहुत सारी मीडिया को दिया है कि हम लोगों को इस्तीफा चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, ऐसे देश नहीं बचेगा, हमें देश बचाना है, संविधान बचाना है। आज महंगाई, चिकित्सा, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हो, आज पाखंडवाद पे बात करते हो। जो आज मुद्दे है उस पर आइए वापस, उसको आइए, जो जरूरत है कि इंसान की उस पर मत आइए कि आज जो है तेल 30 रुपए का होना चाहिए था और आज 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। आज यहाँ आने के लिए आज सोशल एक्टिविस्ट को भी, हमारे या हमें भी सबको देखना पड़ता है कि हम वहाँ कैसे पहुँचे। आज इन्होंने ट्रेनों को बेच दी कि आज जो ये मूल निवासी है दूसरी जगह पर ये पहुँच जाता है तुरंत, ये आगे को ना पहुँच जाए। महंगा इसीलिए ला रहा है, तेल इसीलिए महंगा बचा रहा है। और ये जो अंधभक्त है ना, ये 2 तरह के होते हैं, एक अनुयायी होता है, एक अंधभक्त होता है। तो अंधभक्त ना बनिए आप भी, और ना मेरी जनता बने, मैं सबसे आह्वान करता हूँ, अनुयायी बनिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, अपने माइंड से काम कीजिए, दिल से नहीं, पहले माइंड से सोचने वाला, काम करने वाला बनिए,
तब जाकर के आपको कुछ सोच समझ से अपने फैसले होंगे। अब हमारी क्या प्लानिंग है कि ये बीजेपी तंत्र जो ईवीएम के दम पर सत्ता में टिका हुआ है, काबिज है, इसको बाहर कैसे किया जाए? ये तो फिर आ जाएगा सत्ता में 5 साल के लिए। मानता हूँ कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन आप एक चीज बताइए, अगर ईवीएम में गड़बड़ होगी या कैसी भी होगी तो लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी का नाम लेना मैं नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं नाम लेता ही नहीं किसी पार्टी का, उसको लोकसभा के चुनाव में कितना वोट मिला? 19 करोड़ वोट। डाटा उठा लो, जनता कितनी है? 140 करोड़। 121 करोड़ वोट कहाँ गया? 121 करोड़ वोट बैंक का आपने सत्यानाश मार रखा है दलाली कर करके, जो एक बहुजन समाज की पार्टी और बहुजन समाज की कोई भी पार्टी से एक बहुजन समाज पार्टी के अंदर 36 हजार लाखों संगठन जो बहुजन समाज के नाम से चल रहे हैं, जो आज की डेट में जो एस सी एस टी के जो फर्जी प्रमाण पत्र 1 लाख प्रमाण पत्र हैं, जिस पे जो फर्जी नौकरी कर रहे हैं लोग, उसके बाद कौन उठाएगा? 1 लाख संगठन है, एक एक केस अगर लेगा, एक आदमी 20 केस लेकर के घूम रहा है, एक ही आदमी कार्रवाई कर रहा है, तो आप जो है वो एस सी एस टी के जो फर्जी सर्टिफिकेट जो बना रखे हैं, जो हमारे आदिवासी समाज का आरक्षण खा रहे हैं, ओबीसी समाज का आरक्षण खा रहे हैं, एससी का आरक्षण खा रहे हैं, जो फर्जी प्रमाण पत्र बना करके जो दूसरे लोग जो खा रहे हैं, तो उसकी आवाज कौन उठाएगा? ये जो आप सीधी सी बात ये देखिए ना, ईवीएम की गड़बड़ी जब देखेंगे आप, उसके बाद में आप अपने वोट बैंक को इकट्ठा करिए, एक पार्टी में ले जाइए। बीजेपी के नेता ने बोला है अभी क्या कि आप 24 में आप वोट कहीं भी डालेंगे आएगा। बीजेपी के नेता ने बोल दिया तो मैं आप मेरे से नाम मत ले पाओ, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी पार्टी का। बीजेपी के नेता ने जो बोल दिया, चलिए आप कह भी देता हूँ, उसने बोल दिया क्या हो जाएगा? उसने ये कह दिया पूरी जनता को मार दो, मार देगा क्या प्रधानमंत्री? उसने ये कह दिया कि पूरी जनता नालायक है, ये बहुजन समाज इसको सबको जो है देश से बाहर निकाल दो, निकाल देगा क्या? ताकत है क्या इतनी यार? उसका तो नाम से ही आपको सोचना चाहिए, इतने टाइम से पत्रकारिता कर रहे हो भैया, बेवकूफ आदमी कुछ भी बोल सकता है। उसका जो कर्म है, देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया, उल्टा किया उसने, जो है मंदिरों को ऐसे बना दिया जो पाखंडवाद का एक क्षेत्र, और वहाँ हमारे एस सी एस टी ओबीसी को रोकने का काम किया जिससे कि वो ज्यादा जाए। ऐसे ही हमारे आज शिक्षा की जरूरत है, शिक्षित ना हो जाए, महंगाई कर दी, आज हमारे हिस्सेदारी ना मिल जाए, भाई को मेरी बहनों को हिस्सेदारी ना मिले, हर समाज को हिस्सेदारी ना मिले, तो उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया मुद्दे को। वो डाइवर्ट करना जानता है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता के खिलाफ वो पार्टी है।